नमस्ते एंड हेलो सभी को, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल दलाउजी मेरी नज़र से। आज आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, तो मैं आपको लेके आई हूँ ठंडी सड़क, क्योंकि पिछली बार मैं आप लोगों को लेके गई थी गर्म सड़क, तो मैंने सोचा इस बार मोती टिब्बा का पूरा चक्कर कम्प्लीट करके हम ठंडी सड़क भी जाके आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ठंडी सड़क। ऐसी गिरती हुई बर्फ में तो क्या ठंडी सड़क क्या गर्म सड़क, सभी सड़कें बराबर हैं, सभी एक जैसे ही सुंदर लगती हैं। अब इस सड़क की खासियत ये है कि इसके पूरे स्ट्रेच में ऑलमोस्ट हम जो है पीर पंजाल का व्यू देख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट सारे महीनों में वो स्नो कवर्ड रहता है, और जब भी विजिबिलिटी होती है तो बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। तो आज नहीं फिर कभी से ही मैं आपको ज़रूर किसी और लोकेशन से पीर पंजाल का व्यू दिखाऊंगी, जो कि अक्सर आता रहेगा मेरे वीडियोस में। जैसे कि आपने पीछे देखा वीडियो में, जेसीबी जो है म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा जो यहाँ पे चलाई जा रही है, बर्फ रिमूव करने के लिए, तो आप देख सकते हैं इतना मूवमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ नहीं गिर रही है इस वक्त। अभी एक ही पहाड़ी के आसपास है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें तो सेम ही हैं। यहाँ पे भी पेंटिंग्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए सुपर हीरोज। अब इस सड़क को ठंडी कहने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक सूरज नहीं रहता है, और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है। कुछ जगहें तो ऐसे हैं बीच में जहाँ पे कि अभी जो बर्फ़ गिरेगी वो मार्च अप्रैल तक रहेगी जमी हुई, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं रहती वहाँ पे। ये छोटा सा रेन शेल्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस सड़क का। ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। हेलो, ये शॉर्टकट है, पैदल यहाँ से हम जल्दी बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। ये जो पॉइंट है, यहाँ से भले ही माता टेम्पल के दर्शन होते हैं, पर आज ऐसे मौसम में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। इस साइड को आप देख सकते हैं, हमारे देवदार हैं, हमारे हॉर्स चेस्टनट्स हैं, थोड़े बान भी हैं यहाँ पे, यानी कि ओक्स, बाकी भी बहुत सारी वैरायटी है, पर ये तीन तरह के पेड़ जो हैं ये यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है। का वो पॉइंट है जहाँ से बहुत ही प्यारा सनसेट दिखाई देता है, लेकिन आज बर्फ के कारण मैं सिर्फ बर्फ ही दिखा सकती हूँ आपको। ये है सुभाष चौक, ये ठंडी सड़क का एक एंड है, और पिछले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक लेके आई थी। बर्फ वैसे बड़ी फ्रेजाइल होती है, एक एक पैलेट इसका बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये सारे जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर बना देते हैं ये सब कुछ। बर्फ़ में एक अलग ही तरह की शांति हो जाती है, कोई गाड़ी नहीं चल रही होती, ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है अगर आप चल रहे हैं वो भी, और गिरती हुई बर्फ़ की हल्की हल्की आवाज़, तो ये एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा होता है। अगर चलते चलते आपको ज़्यादा ठंड लगने लग जाए तो थोड़ी देर के लिए भाग लो, या वहीं पे उछल लो, या थोड़ी देर खेल लो किसी के साथ, तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और ये है हमारी अपनी हिमालयन डेलिकेसी, ताज़ी ताज़ी बर्फ। ये है हमारी सुंदर सफेद बर्फ, ये है हमारी मैली कुचैली कीचड़ वाली बर्फ।
ठंडी सड़क की दूसरी एंड पे है गांधी चौक और यहाँ ख़त्म होता है मोती टिब्बा का हमारा पूरा चक्कर। अब घर जाने से पहले हम पियेंगे थोड़ी सी तंदूरी चाय। मैं तो अपने गर्मा गर्म चाय खत्म कर चुकी हूँ पर आप लोग मत भूलिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय। आई लव ढलाजी।